मैं हूं आपकी होस्ट मीना और मैं आज आपको अपनी ज्वेलरीज का कलेक्शन दिखाना चाहती हूं। तो आइए पहले बैंगल से शुरू करते हैं। ये है उडेन चौड़ा बैंगल और ये है पतले पतले उडेन बैंगल्स। और ये जो बैंगल है ये प्लास्टिक का है बट मुझे बहुत पसंद है। ये मेटालिक बैंगल्स हैं। मैं एक ही हाथ में पहनती हूँ बैंगल्स। और ये जो है ये एंटिक ज्वेलरी का बैंगल है और ये लैक का बैंगल है, ये भी लैक का है। और यहाँ कुछ मेरे फिंगर मैंने अंगूठियाँ हैं। यहाँ पर एक ज्वेलरी सेट है, ये देख सकते हैं आप। ये गले का है और ये है कान के टॉप्स। और ये जो है ये हम हाथ में पहन सकते हैं, ठीक है, ब्रेसलेट की तरह। इधर देखते हैं, ये सारे मेरे मेटलिक बैंगल्स हैं। ये इस तरह से होता है, ये है बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ पर तो ये बैंगल मैं कभी कभी पहनती हूँ। ये गोल्डन मेटलिक बैंगल्स है, बैंगल नहीं, ब्रेसलेट है। और ये ब्रेसलेट मुझे बहुत पसंद है जिसे मैं अक्सर पहनती हूँ। ये ऑक्सीडाइज्ड मेटल का एक ये ब्रेसलेट है और ये भी, ये ठीक है, इसका जो टेक्सचर है वो मुझे बहुत ही पसंद है। ये है ग्लास बीड्स का बैंगल जो बहुत ही कलरफुल है। और मैंने आपको कहा भी था पहले कि मुझे कलर्स बहुत पसंद है। और ये है पॉम्पम से बनाया हुआ बैंगल जो कि अभी बहुत ही ट्रेंड में है। यहाँ पर और एक मेटालिक ब्रेसलेट है और ये कुछ वुडन के हैंगिंग ईयर ट्रॉपिंग्स हैं। और ये देखिए ये ईयरिंग्स हैं और ये स्टोन के कुछ इस तरह के ब्रेसलेट है और ये वुडन ब्रेसलेट है, ये भी बहुत कलरफुल है। अब आते हैं इस तरफ। ये मेरा बीड मैंने ग्लास बीड का कलेक्शन है जो कि मैं वेस्ट बंगाल से हूँ तो मैं तांत की साड़ी कभी कभी पहनती हूँ तो उसके साथ ये बहुत ही खूबसूरत लगता है। और ये टर्कोइज ब्लू ब्लैक एंड वाइट के कॉम्बिनेशन में है, ये इस तरह से। मैं पर्ल बहुत कम पहनती हूँ, फिर भी दो एक कलेक्शन है मेरे पास पर्ल के। ये एक सेट है पूरा जो कि मैं कभी पार्टी वार्टी में पहनती हूँ। ये सेट मेरे भैया ने मुझे दिया था। अच्छा, इसके बाद आती हूँ ये वाला जो है ये बहुत ही खूबसूरत है, जिसको मैंने ऑनलाइन ख़रीदा था। ये चेन है और इस तरह से साइड में ये लटकता है, साइड से इस तरह से। ये मुझे बहुत ही पसंद है। और ये है DIY वुडन जो है ये मैंने बनाया है पहनने के लिए। मेरे बेटे के खिलौने से निकाल कर ये बड़े बड़े बीड्स मैंने एक कॉर्ड में डालकर इसको बनाया है। ये है, ये एंटिक पीस है, ये बड़ा सा है जिसको हम किसी भी वेस्टर्न ड्रेस के साथ बहुत आसानी से ये मैंने खूब अच्छे से ये जाएगा। और ये भी वेस्टर्न ड्रेस के साथ बहुत अच्छे से जाएगा। ये दोनों मुझे बहुत पसंद है। यहाँ पर है एक कॉपर का नेकलेस और ये है इसके साथ के ईयर टॉप्स। ये एक
एंटिक ज्वेलरी है जो कि वेस्ट बंगाल में बहुत चलता है, और ये भी एक एंटिक ज्वेलरी है। ये देखिए इस तरह से, ये बीड्स एंड मेटल का जो ज्वेलरी है, इस तरह से ये, इस तरह से, और इसके साथ ये ईयर टॉप्स है। ये ज्वेलरी जो है ये टिबेटन स्टाइल का चोकर है जो मुझे बहुत 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 पसंद है। ये देखिए, और ये है गोल्डन पर, वही टिबेटन स्टाइल का ज्वेलरी। और ये पेंडेंट जो कि देख रहे हैं बहुत ही खूबसूरत है, मुझे बहुत पसंद है ये। इसके बाद चलते हैं इस ओर। ये DIY प्रोजेक्ट है मेरा, मैंने इसे खुद बनाया है, और ये गले के साथ एकदम चिपक जाता है, इसको पीछे से बांध लेना पड़ता है। और ये है फिर ग्लास बीड और मेटल से बना हुआ एक नेकलेस, ये ग्लास बीड का बना हुआ एक नेकलेस है, मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए, ये भी वेस्टर्न ड्रेसेस के साथ बहुत अच्छे से जाएगा। ये है रुद्राक्ष का माला, मैं कभी कभी इसे पहनती हूँ, मुझे पसंद है। और ये है स्टोन्स का नेकलेस, ये भी स्टोन का छोटा सा, मैंने एकदम गले के साथ चिपक जाता है। और ये है वुडन नेकलेस जो कि मैंने, यहाँ पर एक मार्केट है गोड़िया हाट बोलते हैं, मैंने वहाँ से इसे खरीदा है था सॉरी। और ये है, ये भी स्टोन का, ये बड़ा सा माला जैसा है। ये भी मेरा DIY प्रोजेक्ट है, इसमें बीच बीच में मैंने वुडन मैंने मोती दिए हैं और ग्लास बीड्स दिए हैं, इस तरह से मैंने इसे बनाया है। ये भी एक बहुत बड़ा, जिसको हम लोग डबल या डबल करके पहन सकते हैं, ये भी मेरा DIY प्रोजेक्ट है। इसके साथ ये इयर रिंग्स हैं, ये सेक्शन, ये भी मैंने खुद बनाया है, जो रेड एंड पिंक के कॉम्बिनेशन में एक्साइट राइड है और एक्साइट पिंक है। ये है वुडन नेकलेस, ये देख सकते हैं आप, येलो कलर का, जो बिल्कुल इसका डिज़ाइन हमको, मुझे बहुत यूनिक लगा था तो मैंने इसे ख़रीद लिया। और ये है कलरफुल बीडेड नेकलेस। यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ, ये एक गोल्डन पर एक नेकलेस है जिसकी ये जो चेन है देखिए बहुत ही खूबसूरत है। इस चेन को देखकर ही मैंने इसे ख़रीदा था। और इसके साथ ये इयररिंग्स हैं। अब मैं आपको दिखाऊंगी अपने इयररिंग्स के कलेक्शन। ये है आपका पम पम से बना हुआ इयररिंग्स जो कि मुझे बहुत ही पसंद है, और ये बहुत ट्रेंड में भी है, ठीक है। और ये है ईयर कफ जो कि मैं कभी कभी पार्टी वगैरह में, बहुत हल्के से तैयार होना है तब मैं ये पहनती हूँ। ये भी ईयर कफ है। अच्छा, ये देखिए, ये इस तरह से ये हैंगिंग्स है, ईयर ड्रॉप्स है, और इसके साथ ये नेकलेस है, ये सेट है एक। और मैं आपको दिखाना चाहूँगी ये वाला जो मुझे बहुत 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 पसंद पसंद है।
ये टॉप्स है जिसे मुझे किसी ने प्रेजेंट किया था। मैं जंक ज्वेलरी बहुत पसंद करती हूँ, तो ये है मेटलिक ईयर टॉप, ईयर हैंगिंग सॉरी। यहाँ पर और एक, ये थोड़ा एंटिक लुक का है, ये भी बालियों की तरह है, एंटिक लुक है इसका। ये थोड़ा इस शेप में है, शेप थोड़ा अलग सा है। और ये मुझे बहुत पसंद है, बहुत अच्छा लगता है ये। और ये है ये टॉप्स जिसे मैं इस बैंगल के साथ मैच करके पहनती हूँ, इस बैंगल के साथ। सॉरी दोस्तों, थोड़ी गले में खराश है मेरा। ये है और फिर देखते हैं, ये है तार से बनाए हुए गाली जैसा, ये बहुत ही पहनने के लिए बहुत ही अच्छा लगता है। ये जो हैंगिंग्स हैं, ये मेरी भाभी ने मुझे ला कर लिया था, वे जब दुबई गई थी तो वहाँ से मुझे ये ला कर गिफ्ट किया था। ये एक वुडन पीस है जो बहुत ही कलरफुल है। और यहाँ देखिए, ये मुझे बहुत पसंद है, ये जो सीप होता है उस पर उसी का बनाया हुआ है देखिए, और इस पर ये बटरफ्लाई पेंट किया हुआ है। ये है छोटा सा, छोटा मोटा कैजुअल पहनने के लिए ये इयररिंग्स, जो कि मुहर जैसा मैंने लुक देता है। और ये है स्टोन इयररिंग्स, येलो रेड एंड ब्लू। यहाँ पर ये देखिए, ये दो कान में पहनने के लिए है, और ये है एक हल्का सा लॉकेट चेन के साथ। तो ये है मेरा कलेक्शन दोस्तों, इमिटेशन ज्वेलरी का। मैं जंग ज्वेलरी पहनना बहुत ही पसंद करती हूँ, इसलिए मैं हमेशा ख़रीदती रहती हूँ। और थोड़ा बहुत कलेक्शन मेरा जो है वो आप देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा तो नहीं है, बट जितना भी है मैंने आपको दिखाया। ये था मेरा ज्वेलरी कलेक्शन, उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। और इसमें से कुछ अच्छा नहीं भी लगा होगा, क्योंकि तो सबकी पसंद अलग अलग होती है, ठीक है दोस्तों। मैं अब अपना मतलब मेरा सब कुछ दिखाना ख़त्म हो गया है यहाँ पर ज्वेलरी में। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा कलेक्शन, और अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक बटन ज़रूर दबाएं, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ वो सब्सक्राइब कर दें, ताकि मेरा अपकमिंग वीडियो उन तक इजीली पहुंच जाए। थैंक यू दोस्तों, बाय।